चक्रवर्ती क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। नमस्कार, एनबीसी से देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। इस वक्त पीएनएम मॉल के पास में मौजूद है और हमारे साथ वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू हैं। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान देखने सर पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हम लोग पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखने आए हैं और करनी सेना के दबाव पर इसके नाम को चेंज किया गया, सम्राट लगाया गया। और ये देश के अंतिम हमारे हिंदू सम्राट थे, इसलिए हम लोग यहाँ फिल्म देखने पहुँचे हैं। और फिल्म में देख करके हम लोग ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि कई स्टेट खास करके उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने इसे कर मुक्त किया है, टैक्स मुक्त किया है। हम चाहेंगे कि बिहार में भी इस फिल्म पर कर मुक्त किया जाए, टैक्स सम्राट को लेकर के लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन है क्या कि सम्राट क्यों लगाया? कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो सम्राट थे इसलिए सम्राट लगाया गया, और सम्राट नहीं लगाया था इसलिए करनी सेना के विरोध था। तो सही काम किया गया, इसलिए हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं करनी सेना को भी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी कि सम्राट लगाया गया, इसलिए असली सम्राट पृथ्वीराज चौहान ही थे इसलिए सम्राट लगाया। सवाल ये है, कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के विवाद एक बार फिर से आ गया है, यह लगातार आरोप लगाया जा रहा है कश्मीर फाइल फिल्म देखने के बाद एक बार फिर कश्मीरियों पे हमला होना शुरू हो गया, क्या कहेंगे? जो कश्मीरियों पे हमला हो रहा है, माननीय हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी तुरंत संज्ञान लिए हैं और वहाँ किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, खुद जाकर के मॉनिटर किए हैं, वहाँ के राज्यपाल को बुलाया गया है और निश्चित रूप से वहाँ जो भी गड़बड़ी हो रही है उसको दूर किया जाएगा और कश्मीरी पंडितों को कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी और फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं। जितना हमारे कश्मीर मांग रहे हैं बिहारी को दे दीजिए कि हम बिहारी जो है अच्छी बात है, बिहार में वो ताकत है, बिहारियों में वो ताकत है कि अगर बिहारियों को लगा दिया जाए तो कश्मीर शांत हो जाए। बिहार में टैक्स फ्री होगा? बिहार में टैक्स फ्री होगा, जरूर जरूर। तो हमारे साथ बात किए, अभी हम आपको बता दें कि नीरज कुमार बबलू हैं, बिहार सरकार में मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री हैं। और आपको बता दें कि आज अक्षय कुमार की फिल्म जो है कल रिलीज हुई है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। बता दें कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लेकर के तमाम बातें चल रही थी और आज पीएनएम मॉल में पूरी करनी सेना के साथ में नीरज कुमार बबलू पहुंचे हुए हैं देखने के लिए। बहरहाल, इस खबर में इतना ही, जुड़े रहिए एनबीसी के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों।